लेट कहाँ हुए हैं, कांग्रेस ने तो आज डिक्लेयर कर दिया। और ये सभी पहले सर्वे करवाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने 4-5 सर्वे कराए और 4-5 सर्वे की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर आज टिकट का घोषणा कर दी गई जयप्रकाश जी की चुनाव की। उनको पता लग जाएगा कांग्रेस के पास उम्मीदवार था कि नहीं था। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार पहले भी था, यही जयप्रकाश जी थे जो 5200 के अंतर से उस टाइम चुनाव हार गए थे। और आप पार्टी वाले का तो जवाब देने की बात ही नहीं, उनका तो कोई वजूद है ही नहीं है। जो आप पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता थे, जो हल्का प्रधान थे, जिला प्रधान थे, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे 3 साल से, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई होगी, वो साथियों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। जी दोस्तों, स्वागत धारा हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। तो बड़ी अपडेट आई है, कांग्रेस ने कर दिया अपने उम्मीदवार का ऐलान। और सब ने इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार का जो ऐलान है वो क्या तो नहीं कर रही। एक बड़ी बात थी, लोग केरा क्या के कयास लगा रहे थे। और भाई जो कुलदीप बिश्नोई है और बीजेपी पार्टी है और आम आदमी पार्टी, वह कहने लाग रहे थे उम्मीदवार पाए नहीं रहा। तो उम्मीदवार पा गया है भाई जयप्रकाश जेपी, जो इतनी बार हड़ते चुनाव लड़ चुके हैं। इनते एक बार बातचीत करांगे, एक बार तो देख लो भाई खुशी का माहौल पार्टी कार्यालय मुख्य कार्यालय जो है आदमपुर मुंडी का। राम 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 जी। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। ओ, सब नहीं जानी पहले जो है उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया और उन तो पर्चे भी भर दिए, कांग्रेस नहीं जानी हरकत क्यों लगाई। लेट कहाँ हुए हैं, कांग्रेस ने तो आज डिक्लेयर कर दिया। और ये सभी पहले सर्वे करवाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने 4-5 सर्वे कराए और 4-5 सर्वे की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर आज टिकट का घोषणा कर दी गई जयप्रकाश जी की। एक बात और हो रही है जी, जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं और आम आदमी के जो वह प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस दौर, तो उम्मीदवार नहीं था जहाँ तक लेट कर दिया उनका प्रचार का। तो अब चुनाव में जब वो साथी चलेंगे और कांग्रेस पार्टी भी अब शुरुआत करेगी चुनाव की, उनको पता लग जाएगा कांग्रेस के पास उम्मीदवार था कि नहीं था। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार पहले भी था, यही जयप्रकाश जी थे जो 5200 के अंतर से उस टाइम चुनाव हार गए थे। और आप पार्टी वाले का तो जवाब देने की बात ही नहीं, उनका तो कोई वजूद है ही नहीं है। जो आप पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता थे, जो हल्का प्रधान थे, जिला प्रधान थे, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे 3 साल से, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई होगी, वो साथियों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। नहीं, एक बात और है जी, जेपी जी जुकर इनलो ने अपने पत्ते खोल ना लिए, किधर नुबाट तो नहीं देख रही बड़ी सेंध कांग्रेस में तो नहीं लागण वाली। कांग्रेस में कोई सेंध को लाग रही, सारे प्रोफेसर साहब ने पहले मना कर दिया चुनाव लड़ने से। और हमारे मोटा मोटी तौर पर 2 ही साथी थे जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तो फिर उसके अलावा भी जो इस बार कांग्रेस ने हुड्डा साहब ने और उदय भान जी ने एक फैसला लिया था कि भाई जो पब्लिक कहेगी जिसके लिए हम उसी को टिकट देंगे। और इसीलिए 5 सर्वे कराए गए, 5ों सर्वे में जयप्रकाश जी का नाम सबसे ऊपर आया, इसलिए उनको जयप्रकाश जी को टिकट दे दी गई। और पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, बड़ी शिद्दत से पहले भी चुनाव लड़ा गया था। हमारे सारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, हमारे आए दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने का एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ 36 बिरादरी के साथी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अब हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप इनसे खुद से पूछ लो, जाट समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सोनी समाज के लोग, मतलब ओबीसी के लोग भी हैं और हमारे एससी भाई भी हैं और जनरल के साथी भी, ब्राह्मण, मतलब यहाँ जितने बैठे हैं ना, आप एक एक से अलग अलग पूछ सकते हो, सभी जातियों के साथी हैं। यही हमारी एक जीत है, यही कांग्रेस की ताकत है कि 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। नहीं, नंबरदार साहब कल बड़ी महापंचायत कर रहे थे जी, आपने देखा होगा, वह कोई गड़बड़ तो नहीं कर देंगे। नहीं, महापंचायत तो हमारा साथी है, महापंचायत तो करना, जब तक कोई टिकट डिक्लेयर ना हो सबका अपना राइट बनता है टिकट मांगना, लोकतंत्र में कोई भी मांग सकता है। और वो हमारे सम्मानित साथी हैं, तो उन्होंने अपना लोगों से बात करी थी, ऊपर भी बात करी। कई बार होता है कि भाई नहीं कोई बात सेटलमेंट होती, टिकट तो बहुत साथी मांगते हैं और मिलती तो एक को ही है। हम सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे और जयप्रकाश जी को और कांग्रेस पार्टी को और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेंगे। नहीं बताओ, मना लिए कि मैं गड़बड़ कर सके हैं? ना, कोई गड़बड़ का मामला नहीं बनता। मना लिए? नहीं, मना तो नाराज थे ही नहीं। थोड़ी बहुत नाराजगी तो हुई है जब आप टिकट खातर दावेदारी ठोका, हाँ खर्चा लावा, हाँ, और फिर टिकट नहीं ठहरी तो थोड़ा बहुत तो रोसा हुआ है।
थोड़ा बहुत तो मन में मलाल होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो उनकी कोई ऐसी बात आई नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं तो ठीक ठाक अपना पार्टी की मदद करेंगे। अब जुगर सोशल मीडिया देख रहे थे जी, हमें एक अलग ट्रेंड जो चलाया गया है, लोग हैं जो जयप्रकाश जेपी है, पहले दादा पा रहा, पहले तो भजन लाल जिया पा रहे, फिर बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई जिया पा रहे है, और इबका ट्रिक लगाऊंगे भव्य बिश्नोई पार्क। ये जो लोग घमंड की बात करते हैं, जनता अब की बार इनके घमंड को चकनाचूर कर देगी। और ये जो बार बार कहते हैं नहीं भजन लाल जी का गढ़ है, भजन लाल परिवार का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, भजन लाल परिवार का गढ़ नहीं रहा। अगर भजन लाल जी के परिवार का गढ़ होता तो वैभव बिश्नोई लोकसभा में 27,000 वोटों से नहीं हारते। इन लोगों की आदमपुर की जनता ये इनका घमंड इस बार तोड़ने का काम करेगी। एक बात बताओ आप, इनकी वीडियो देखना, भव्य बिश्नोई की भी और कुलदीप जी की भी। ये बीजेपी को पानी पी पकड़े गालियां निकालते थे और बार बार ये कहते थे भाई इससे गंदी पार्टी नहीं हो सकती। इन्होंने चुनाव जनरल इलेक्शन हुआ तब बीजेपी ने इनका हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया और बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आए थे दोबारा से। और कांग्रेस में ये कहते हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे को अध्यक्ष नहीं बनाया गया प्रदेश का, वहाँ तो CWC के मेंबर थे जो कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था है, और यहाँ पर ये एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। ये कुछ नहीं है, ये मामला है लोगों की भावनाओं का अनादर करना, और जिन्होंने इनको वोट दे करके MLA बनाया था उनके साथ विश्वासघात किया है, और जनता इसका अब चुनाव में बदला लेगी। इनको चुनाव में 100% हार का सामना करना पड़ेगा। एक चीज आप कराएंगे जी, इब परिवारवाद और जो राजनीति है जुगर जातिगत आधार पर उसने छोड़कर जब बात कराने, हम आदमपुर में जितने घूमे हैं हमारे हिसाब से इसमें विधायकी का जो फंडा हुआ है ने वो भी नहीं लग रहा, के कारण रहा है जो इतना पिछड़ रहा आज के दिन। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ लंबे अरसे से चौधरी भजन लाल का परिवार काबिज रहा, चाहे वो पार्टियां बदलता रहा चाहे कैसे भी रहा। और कुलदीप जी का तो रिकॉर्ड है, विधानसभा से निकलवा के आपको हम कागज दे देंगे, ये तो साल में 2 बार विधानसभा में जाते हैं। लोगों ने इसलिए बनाए थे क्या विधायक की वे साल में 2 बार विधायक बनने के बाद वहाँ 2 बार जाना और हमारी कोई मांग मत उठाना। ये विपक्ष में दूसरे MLA भी तो हैं जिनके हलकों के अंदर विकास भी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो विधानसभा में अपने हलके की, अपने जनता की, अपने साथियों की लड़ाई लड़ते हैं। आदमपुर का तो आपने भी देखा होगा, आप भी बाहर से हैं, लोगों को बाहर से तो ये है कि वे आदमपुर में जाएंगे पता नहीं चमचमाती सड़कें मिलेंगी, सीवरेज बढ़िया मिलेंगे और सारी चीज़ें, पानी का प्रबंध सही होगा, सब कुछ मानते हैं। लेकिन हमें पता है 90 हलकों में सबसे ज्यादा दुर्दशा आदमपुर हलके की है, और उसके लिए दोषी कोई है तो कुलदीप बिश्नोई जी है और इनका परिवार दोषी है। 2-3 गांव देखे जी आपके हलके के, उनने उन गांव वाले का कहना है कि हमने जो नेता है वह हलके में नहीं मान दिए, और एक गांव तो जो वोट है मतदान तो ही बहिष्कार कर रहा है। देखो वो तो गाँव के अपने निजी मुद्दे हो जाते हैं गांव के, वो किस लिए किया उन्होंने। बाकी हलके में ऐसा कोई मामला नहीं है कि हलके में नहीं माने, बहुत जागरूक लोग हैं आदमपुर हलके के तो, और ये हमेशा ही जो है ना फैसला बड़ा अलग तरीके का फैसला करते हैं, लीक से हटके फैसला करते हैं। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आदमपुर के साथी भाई हमारे युवा और बुजुर्ग मिल करके एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का शासन काल रहा है उसमें जो हर वर्ग के हित में फैसले लिए गए हैं उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जयप्रकाश जी को यहाँ से विजयी बनाने का काम करेंगे। एक चीज लास्ट है जी, अभय सिंह चौटाला ने अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, खोलिए और सूत्रों का हवाला था जो खबर आने लग रही है, एक तगड़ा जो उम्मीदवार या तो कांग्रेस में सिंध मारी करें या फिर चौटाला परिवार से कोई ना कोई अड़े उम्मीदवार उसके, उसने फिर किस हिसाब से देखने लग रहे हो? देखो लोकतंत्र में ना कोई नेता बड़ा होता है, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जनता जिसको चाहे मिट्टी से उठा करके आसमान पर पहुंचा सकती है और आसमान के सितारे को तोड़ के मिट्टी में मिला सकती है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर जनता पावरफुल नहीं होती तो ये बदलाव नहीं आते। आज जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से दुखी है क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास रखती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और आपके सामने है आदमपुर, एक ऐसी जगह है जहाँ किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, लंबी लंबी लाइन में, और जब कुलदीप जी वहाँ से निकलते हैं तो शीशा ऊपर कर लेते हैं और किसानों की तरफ देखते भी नहीं है। जो पिछले 13 महीने
किसानों की दुर्दशा हुई और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको क्या क्या नहीं कहा, मवेशी तक कहा, उनको उग्रवादी तक कहा उनको, और 750 किसानों ने शहादत दी। आज इस चुनाव के अंदर एक एक किसान भाई को, एक एक मजदूर भाई को जो उनके साथ जातियां हुई हैं वो याद हैं, और वोट की चोट दे करके उनके साथ जो जातियां हुई उसका बदला लेने का काम करेंगे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों में विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। चलो जी, धन्यवाद। एक बार फिर तो नहीं कर लेंगे जी। तो भाई, आपने सुना जयप्रकाश जेपी जी जो इस टाइम मौजूद थे, कई मुद्दे थे और सारे पे जो है अपना विचार रखा। बाकी आज घना बड़ा इंटरव्यू आप नहीं करना था, आज स्पेशल जो टिकट मिली है उसे लेकर बातचीत हुई थी। बाकी के जो मुद्दे हैं वह गांव में मिल दे रहेंगे, फिर छेड़ दे रवांगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलाएं भाई। जय जवान, जय किसान।